तो चलिए फिर से एक जबरदस्त सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि टॉपिक में कौन सा टॉपिक है ये? लिमिट। लिमिट एल आई एम दिख रहा है, जिनको लिमिट के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो भी देख लें, क्योंकि मैं बताऊंगा लिमिट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं। सर हम जानते हैं आप हमेशा स्टेप वाइज चलते हो, तो स्टेप शुरू करते हैं। स्टेप वन कैसे करेंगे, जो भी लिमिट का सवाल होता है उसको एल अज्यूम करेंगे। तो एल इज इक्वल टू क्या आया हमारा, लिमिट टू स्क्वायर रूट फोर माइनस एक्स अपॉन एक्स, वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो रखो, ऐसा बोल रहा है। तो रख देते हैं सर, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। जब एक्स की वैल्यू रखते हैं तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो टू माइनस अंडर रूट फोर माइनस जीरो अपॉन जीरो, फोर माइनस जीरो कितना होता है, फोर ही होता है, उसका रूट आएगा। तो एल इज इक्वल टू जीरो अपॉन जीरो, तो ये कौन सा फॉर्म आया, जीरो बाय जीरो फॉर्म बोलते हैं इसको। सर इसको मतलब ऐसा आने पर क्या करना पड़ता है सर, वो भी बताओ हमको। ऐसा आने पर हमको स्टेप टू करनी पड़ती है। स्टेप टू में क्या करेंगे सर, वो भी बताओ हमको। स्टेप टू में हम करने पड़ेगा हमको, ऐसा कुछ तो होगा उसमें जो कट करना पड़ेगा फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तभी वो आएगा बराबर। एक्स जीरो है मतलब एक्स ही फैक्टर आएगा आगे जाके, ये मैं अभी बता रहा हूँ, कैसे आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो उसको फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो वो कैसे कर सकते हो, करते हैं सर, वो भी हमको बताओ। तो लिमिट ऑफ अपॉन एज इट इज मैं लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट की टर्म है, ठीक है, डिनोमिनेटर होती तो डिनोमिनेटर करते हैं, ठीक है। तो कर दो, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है ये जो है टर्म, यहां पे दो टर्म्स है, टू और रूट फोर माइनस, यहां पे माइनस है ना, तो प्लस साइन लेके वही टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, उल्टा साइन लेना है बस। ए टर्म और ए टर्म एज इट इज लिखनी है, और बस बीच का जो साइन होता है उसको प्लस, प्लस होगा तो माइनस कर दो, माइनस होगा तो यहां पे प्लस लेना है, यही होता है रैशनलाइजेशन। और आगे कैसे करेंगे फिर, ये ऊपर का देख के ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला याद आ रहा है सर, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ तो कर दो उसके हिसाब से, कैसे आएगा फिर, तो l इज इक्वल टू बन जाएगा लिमिट वेयर x टेंड्स टू जीरो ए स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन, ये जो चीज है नीचे वाली उसको तो एज इट इज रखना है, दिस इनटू दिस। ओके सर समझ गए, आगे बढ़ो सर। अब सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो काट सकते हैं, अच्छा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ टू का स्क्वायर सर फोर होता है, और ये फोर माइनस एक्स तो एज इट इज है सर, ये माइनस अगर अंदर जाएगा ना सर तो फोर माइनस बन जाएगा और माइनस एक्स जो है वो प्लस एक्स बन जाएगा, अच्छा अपॉन एक्स इन ब्रैकेट टू प्लस, समझ गए सर। ये फोर और फोर भी काट सकते हैं सर, प्लस फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा, अच्छा आगे बढ़ते रहो सर, समझ में आ रहा है सब कुछ, समझ में आ रहा है हमको। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ x बचा, और नीचे सॉरी लिमिट का वो लिखना भूल गया मैं, लिमिट x अपॉन x रूट फोर माइनस एक्स, टू प्लस रूट फोर माइनस एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो है ही,
कि भाई ए एक्स और ए एक्स काट सकते हैं, तो क्या बचा लिमिट, ऊपर बचा वन, कुछ नहीं मतलब वन बचा, और नीचे बचा फोर, टू प्लस फोर माइनस एक्स, वेयर एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अब रख दो वैल्यू, क्योंकि फैक्टर जो था वो कट हो गया, उसके बाद फिर से रख देते हैं। अब देखते हैं कैसा होता है, वन अपॉन टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस ज़ीरो, फोर माइनस ज़ीरो मतलब फोर, फोर का रूट टू बन जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, वन अपॉन टू प्लस टू फोर, क्लियर। सो दिस इज फोर का रूट टू और प्लस टू फोर हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ लिमिट। बराबर, जब आपको ऐसी रूट की टर्म डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर में हो तब रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। बराबर, रैशनलाइजेशन करके एक्स टेंड्स टू जीरो है, मतलब एक्स आगे जाके कट होने वाला है, क्योंकि एक्स जीरो ऊपर भी बन रहा था नीचे भी बन रहा था। तो इसी तरह से लिमिट का कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं, और सारे हम सवाल अलग अलग टाइप के लेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलते हैं अगले सवाल के साथ।